दुनिया में कई तरह के सांप पाए जाते हैं। इनमें कई बेहद जहरीले होते हैं जबकि कुछ सामान्य होते हैं। सांप किसी की आवाज या आहट सुनते ही सतर्क हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जब आप सांप को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि सांप के पास कोई कान नहीं होता है, तो यह सुनते कैसे हैं? ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड की टॉक्सिनोलॉजिस्ट क्रिस्टियाना जेडनेक का कहना है कि सांप एक बेहद डरपोक और कमजोर जीव होता है। सांप हमेशा छिप कर रहता है। उनका कहना है कि अभी भी हमें उनके बारे में बहुत कुछ जानना है। क्रिस्टियाना ने बताया कि सांप के कान उसके बाहरी शरीर में नहीं होता है, इसलिए अधिकतर लोग सोचते हैं कि सांप को सुनाई नहीं देता है। लोग सोचते हैं कि स्नेक्स सिर्फ जमीन के कंपन से चीजों को महसूस करते हैं, और आज तक मैं भी यही सोचता था। सिर्फ उनके सुनने की क्षमता बाकी शारीरिक इंद्रियों जैसे स्वाद और देखने से कमजोर होती है। स्लोवानिया नेशनल चिड़ियाघर की वेबसाइट पर बताया गया है कि सांपों के बाहरी कान नहीं होते हैं। दोस्तों, किसी भी प्राणी के पास जो कान होता है उसका दो स्ट्रक्चर होता है, पहला एक्सटर्नल ईयर स्ट्रक्चर और दूसरा इंटरनल ईयर स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल ईयर स्ट्रक्चर जो दिखता है जैसे डॉग, रैबिट, काऊ और इंसानों में होता है, और इंटरनल ईयर स्ट्रक्चर कई स्टेज में बना होता है और यही मेन होता है। इसी के वजह से कोई भी प्राणी सुन पाता है। सांपों में एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, भले ही इनके पास बाहरी कान नहीं होता है, लेकिन इनके पास मेन इंटरनल ईयर होता है जिससे ये सुन पाते हैं। तो गलती कभी मत करना कि दिखाने के लिए इनके पास कान नहीं होता है तो इनको सुनाई नहीं देता। इनको सब सुनाई देता है, लेकिन इंसान जितनी आवाज सुनता है सांप सिर्फ उसका कुछ अंश सुन सकता है। जैसे इंसानों का सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, मतलब हम 20 हर्ट्ज से कम साउंड नहीं सुन सकते हैं, और अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा साउंड है तो भी हम नहीं सुन सकते हैं, ये हमारे कान को डैमेज कर सकते हैं। जबकि एक पाइथन स्नेक 80 हर्ट्ज से 160 हर्ट्ज तक सुन सकता है। हालांकि अलग अलग प्रजाति के सांपों के सुनने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, मतलब कि अगर आप जोर जोर से चिल्लाएंगे तो सांप सुन सकता है, और उनके ज्यादा नजदीक में कोई बात भी कर रहा हो तो सुन सकता है, और जब कोई आवाज इनके रेंज के बाहर होगा तो इनको कैसे नहीं सुनाई देगा, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप पानी में कूद गए और आप पानी के अंदर हो, बिल्कुल अंदर, और आपका दोस्त पानी के बाहर से जोर जोर से चिल्ला रहा है, तो क्या आपको सुनाई देगा? द आंसर इज डेफिनेटली नॉट। आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। आपको लगेगा कि कोई आवाज दे रहा है, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि आपका दोस्त क्या बोल रहा है। ऐसे ही सांपों के केस में होता है, इनके रेंज के बाहर की आवाज नहीं सुनाई देता है। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि स्नेक के पास एक्सटर्नल ईयर स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन इंटरनल ईयर स्ट्रक्चर होता है जिससे वे सुनते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।